लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना 3 दिन बाद जारी हो जाएगी। ऐसे में सभी पार्टियां अब अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए गोंडा, बाराबंकी, कैराना और संभल लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने शुक्रवार को गोंडा लोकसभा सीट से विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, बाराबंकी से रामसागर रावत, कैराना से तबस्सुम हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्क के नामों की घोषणा की है। राजनीतिक समीकरण में संभल और कैराना सीट सपा के लिए मजबूत मानी जा रही है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कैराना से तबस्सुम हसन जीतकर संसद पहुंची थी। इसके साथ ही गोंडा से पंडित सिंह भी मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। इससे पहले सपा ने हाथरस और मिर्जापुर से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ सीट से रतिराम बंसल चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इन नामों की घोषणा की है। रामजी लाल सुमन को हाथरस और राजेंद्र एस विंद को मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही सपा अब तक अपने 15 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। सपा ने सबसे पहले 3 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम भी था। इसके बाद 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसमें पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नाम भी शामिल था। चुनाव प्रचार के लिए सपा बसपा ने संयुक्त कार्यक्रम तैयार किया है। पश्चिम यूपी में इन संयुक्त रैलियों की शुरुआत नवरात्र में होगी। पहली संयुक्त रैली 7 अप्रैल को देवबंद में होगी, जिससे मायावती, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह संबोधित करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी इन नेताओं की जोड़ी जनता पर कितना प्रभाव डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।